Hello everyone, I am Sarvesh from Anz Institute and our today's topic is quadratic equations. So let's begin. Quadratic equation एक ऐसा chapter है जो almost हर bank के exam में important माना जाता है और इसके questions definitely हमारे हर exam में आते हैं अगर हम specifically कोई bank का exam देने जा रहे हैं. So our first question is x square is equal to 256. अब quadratic equation होती क्या आपकी? वो equations हमारी variable की form में होती हैं जिसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 रहती है. अब यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे हमारी एक इक्वेशन x के वेरिएबल में है, सेकंड इक्वेशन y वेरिएबल में, तो दोनों की ही मैक्सिमम पावर हमारी 2 है इक्वेशन. तो अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर इज इक्वल टू 256. सिंपल है, इसमें कोई हमें प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, बस इतना है कि x का स्क्वायर जो है वो 256 के बराबर है. 256 हमारा 16 का स्क्वायर होता है. सो x की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है? 16 एंड -16, क्योंकि हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं. तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव. सो नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वाई वेरिएबल वाली, दैट इज वाई स्क्वायर -17y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पहले स्कूल में करी है, बट हमने उस मेथड से सॉल्व नहीं करना. हमने सिंपली क्या करना है, 16 के फैक्टर्स बनाने हैं. यहाँ पे अभी कॉफिशियंट नहीं है कुछ वाई स्क्वायर का, तो हम सिंपली कर रहे हैं, आगे कॉफिशियंट वाले भी क्वेश्चन है. तो हमने 16 के फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके, तो 16 क्योंकि हम 16 को ब्रेक कर रहे हैं, बट उनका एडिशन है सब्ट्रैक्शन करके 17 आए. 16 के फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? 4 × 4, 2 × 8. अब यहाँ पे तो उससे कुछ बन नहीं रहा, तो हम फैक्टर्स क्या ले सकते हैं? 16 और 1. बट ये सिंबल का ध्यान रखना है, साइन का. मल्टीप्लाई करें तो प्लस आए, और माइनस करें तो, या प्लस करें तो -17. बट अब 16 और 1 का मल्टीप्लिकेशन तो 16 है, बट 17 माइनस के साथ कैसे आएगा जब हम इसको -16 और -1 लेंगे, कि दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, इनको हम ऐड करेंगे तो वो -17. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनके साइंस को हम रिवर्स कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. देन अगर यहाँ पे कॉफिशियंट होता तो हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता, तो हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे. यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना था. तो ये हमारे दो रूट्स हो गए किसके, y के, 16 एंड 1. अब आंसर हमारा आता है कंपैरिजन के फॉर्म में, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y. तो वो मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है, मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी. अब 16 मेरा जो है वो इसके इक्वल है एंड इससे बड़ा है, -16 मेरा इससे छोटा है, दैट इज x लेस देन y, और इससे भी क्या है, छोटा है, सो x लेस देन y. तो हमारी चीजें ऑपोजिट आ रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. यहां तक तो ये ठीक था, बट जहां पे जैसे यहाँ पे x लेस देन 1 आया, तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीज, तो हम x और y में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते. तो इसके इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटर्मिंड, या फिर ऐसे सीएनडी नहीं आता है लेकिन हम एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे रिलेशन, तो या तो आता है रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि हमने जो हमारी वैल्यूज निकाली, 16 जो मेरा है वो इससे बड़ा है, इसके इक्वल है, तो हमने ये लिख दिया. और -16 जो रहेगा मेरा इससे छोटा, मतलब वाई बड़ा है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू तो बड़ी ही होगी, नेगेटिव का कुछ भी हो, तो इसलिए एक्स लेस देन वाई, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. तो इसलिए हमारा आंसर होगा कैन नॉट, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0. अब 100 के फैक्टर्स बनाने हैं, 100 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 25, 4, 20 × 5, 10 × 10. अब यहाँ पे 10 और 10 से मेरा 20 बन रहा है, मतलब 10 और 10, पर यहाँ प्लस चाहिए, प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस, तो ये हमारे रूट्स पॉजिटिव रहेंगे. साइन जब हमने इसके रिवर्स करने हैं, तो -10 और -10 कॉफिशियंट है नहीं, तो यहीं पे हमारा ये रूट्स खत्म. तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, -10 और -10. सिमिलरली हम y के लिए भी करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. के रूट्स में ऊपर लिख देती हूँ, 30 की जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा, 6 और 5, 10 और 3. तो 10 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 10 एंड 3. देन हम साइन उल्टा करेंगे, -10 और -3, कॉफिशियंट नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप. तो मेरा आंसर क्या आ गया, -10 और -3. तो अब जब हम कंपेयर करेंगे, -10 में क्या है, इक्वल, या बिना लिख के भी कर सकते हैं, कि मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ सिर्फ, -10 इससे छोटा है, देन
इक्वल एंड देन फिर से वही चीज़। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व हो गए। माइनस टेन हमारा क्या आ गया, इक्वल। अब माइनस टेन और माइनस थ्री में हमारा कौन सा नंबर बड़ा होता है, माइनस थ्री बड़ा होता है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स आ गए। टेन और थ्री में टेन बड़ा, माइनस थ्री में माइनस टेन में माइनस थ्री बड़ा। एक्स इज लेस देन वाई, यहाँ पे भी ये इक्वल एंड यहाँ पे भी लेस देन वाई, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। ये क्वेश्चन थे जिसमें हमने कोफिशिएंट नहीं लिया था और हमारी स्क्वायर वाली चीज भी आ गई, वो आपकी चाहे एक्स वेरिएबल में देते हैं चाहे वाई वेरिएबल में। नेक्स्ट टू जो हमारे क्वेश्चन है वो है कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। नेक्स्ट फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमें इस कॉन्स्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी। तो 20 के फैक्टर्स क्या बनेंगे अगर हम 8 को माइंड में रखें, 10 एंड 2, माइनस 10 एंड प्लस 2, 5 माइनस है और माइनस 8 है, तो माइनस 10 और प्लस 2 वो माइनस 8 बनेगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर की तो वो माइनस देगा। तो माइनस 10 इंटू 2 इज 20 एंड माइनस 10 प्लस 2 इज 8। तो साइन जब इसके उल्टे करेंगे तो 10 एंड माइनस 2, मेरे एक्स के रूट्स क्या आ गए, 10 एंड माइनस 2। अब एक स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट हम कोफिशिएंट जो होता है एक्स स्क्वायर का उसको रूट्स को से डिवाइड कर देते हैं 10/4 माइनस 2/4। अब इसको हमें शॉर्ट में कैसे करना है, तो डिवीजन कई बार थोड़ी लेंथी मतलब पॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक बार पहले वाई के रूट्स निकालेंगे देन देखेंगे। 2y² माइनस 11y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 14 इंटू 2 इज 28, या 14 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं 7 इंटू 2, तो हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 28 के 7 इंटू 4, सो माइनस 7 एंड माइनस 4, तभी वो जाके माइनस 11 बनेगा, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगी आपकी 28 की, तो साइन आप इसके चेंज कर देंगे 7 एंड 4, तो मेरे 7 एंड 4 क्या हो गए y के रूट्स एंड 10 एंड 2 क्या हो गए थे मेरे x के रूट्स। अब हमने क्या ध्यान रखना है, हम इसको भी कोफिशिएंट से भी डिवाइड करते दोनों पॉइंट्स इन्वॉल्व होते, तो हम क्या कर सकते हैं इनका कोफिशिएंट देख लेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो हम इनको सेम बना सकते हैं, इस 2 को 4 बना दें, मतलब इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसके रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसके रूट्स को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, वो एक ही बात हो जाएगी, 7 इंटू 2 इज 14 एंड 4 इंटू 2 इज 8। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे, हमारा आंसर करेक्ट आएगा, 10 इससे छोटा है बट इससे बड़ा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर गई चीज, मुझे आगे जाने की तो नीड ही नहीं है, तो यहीं पे आपका आंसर क्या आएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। जब मेरा इसी पॉइंट पे जब मैंने 10 को कंपेयर किया तो x इज लेस देन y, क्योंकि y बड़ा है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, मुझे आगे देखने की नीड ही नहीं लगी क्योंकि वो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट करके आगे जो मर्जी आए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, यहीं पे हमारा आंसर आ गया, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर्स आपके क्या बनते हैं, 6, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 2 और 3 सेटिस्फाई करेगा, 2 एंड 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हम 2 और 3 लेंगे, देन इसके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 2 एंड माइनस 3, एंड देन y की आपकी इक्वेशन है 20y² प्लस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 एंड 5, वो 9 बनता है, तो 4 एंड 5 को चेंज करके हम बनाएंगे माइनस 4 एंड माइनस 5, ये हमारे आगे y के रूट्स। अब हमने क्या करना था, या तो इसको डिवाइड करना था या फिर इसको सेम बनाना है, तो मैं इसको अगर 10 से कर दूं तो ये 60, इसको 3 से कर दूं तो x के रूट्स को मैं 10 से कर दूं, मतलब x के रूट्स क्या आ गए माइनस 20 और माइनस 30, एंड y के रूट को मैं 3 से कर दूंगी, 4 इंटू, अब चारों के चारों रूट हमारे नेगेटिव में है, सो नाउ विल कंपेयर माइनस 20 माइनस 12 से बड़ा है या छोटा है, छोटा, इससे भी छोटा, तो x इज लेस देन y। अब माइनस 30 इससे क्या है, छोटा, इससे भी छोटा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। जब हम पॉजिटिव नंबर कंपेयर करते हैं 20 हमारा 12 से बड़ा होगा बट नेगेटिव में ऑपोजिट हो जाता है, तो इसलिए 12 बड़ा, सो x इज लेस देन y। अगेन सेम गोज फॉर 15 एंड 20, अगर 20 एंड 15 होता तो 20 बड़ा होता, नेगेटिव में उल्टा, सो x इज लेस देन y। 30 एंड माइनस 12 के माइनस 30 माइनस 12 माइनस 30 माइनस 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। सो
सो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वेशन समझ में आ गए हो। ये हार्डली अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये एक क्वेश्चन हार्डली 30 to 35-40 सेकंड्स का ही टाइम लेगा और आपके ये बहुत स्कोरिंग दे जाते हैं एग्जाम्स में। सो प्लीज यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।